उधम सिंह नगर में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर आपस में छात्र गुट आमने सामने आना शुरू हो गए हैं। इसका नतीजा है कि छात्र संघ चुनाव को लेकर दो छात्र गुट आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों छात्र गुटों की भिड़ंत एक खूनी संघर्ष में बदल गई और मामला इतना बढ़ गया कि जिसमें पुलिस को लाठी फटकारनी पड़ी। इस भिड़ंत के छात्र गुटों में कई छात्र चोटिल भी हो गए हैं, साथ में बाजपुर कोतवाली के कोतवाल भी चोटिल हो गए हैं। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से दोनों छात्र गुटों पर अपनी कार्रवाई कर मामले को अपने कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के राजकीय महाविद्यालय बाजपुर में 7 नवंबर को छात्र संघ चुनाव होने हैं, जिसको लेकर रंजिश चल रही है। इस रंजिश के चलते छात्रों के दो गुट अनाज मंडी के मैदान में भिड़ गए। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले। दो छात्र गुटों के बीच हो रही लड़ाई की सूचना जब कोतवाली पुलिस को मिली, तब वह आनंद फानन में घटना स्थल पर पहुंची और उन्होंने दोनों पक्षों के लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह शांत नहीं हुए और धक्का मुक्की होने लगी, जिससे कोतवाल परवीन सिंह कोश्यारी भी चोटिल हो गए। उनके हाथ का अंगूठा फ्रैक्चर हो गया है। वहीं दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर सौंपी है। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। देखिए, ये 7 तारीख को हमारे बाजपुर डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव होने हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में छात्र संघ के दो गुट परसों रात्रि के 10 बजे के लगभग जो है मंडी, ये गल्ला मंडी है बाजपुर में, वहाँ पर जो है दो गुट आपस में ये भिड़ गई, जिसमें हमारे कोतवाली में जो है सूचना मिली, जिसमें हमारा पुलिस फोर्स वहाँ मौके पर गया कि आपस में जो है लाठियाँ चल रही थी, तो पुलिस वहाँ पर पहुँचने पर जो है उन्होंने उन लोगों को इधर उधर खदेड़ा, जिसके बाद जो है वो शांत हुए थे। उसी संबंध में आज IGM साहब और मेरे द्वारा जो है डिग्री कॉलेज में जितने भी छात्र संघ के प्रत्याशी हैं, उन सभी प्रत्याशियों की जो है वहाँ पर ही गोष्ठी की गई। उनको हमने लिंक दो कमेटी की जो रिपोर्ट होती है उसके अनुसार जो जो चुनाव कराए जाते हैं, जो उसमें नियम बने हुए हैं, उस नियमों का पालन करने से संबंधित जो है पूरे आदेश उनको पढ़वाई, और किसी प्रकार की भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने के लिए जो है उनको ये बताया गया कि किसी प्रकार का इस प्रकार के कोई कार्रवाई न करें कि जो आपके लिए जो है आगे के लिए दिक्कतें शुरू करेंगी। उनको साफ साफ मेरे द्वारा ये स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है कि यदि किसी प्रकार की जो है कानून व्यवस्था का उल्लंघन अगर किया गया चुनाव के दौरान में, तो हम किसी दशा में भी उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, अभियोग पंजीकृत करेंगे और सीधे जो है उनको जेल भेज देंगे। देखो, अभी तो फिलहाल हमने 160 होल की कार्रवाई जो है भारी मुसलके के साथ में IGM को रिपोर्ट भेज दी है उस संबंध में, तो अगर आगे के लिए भी अगर वो कोई घटना घटित करते हैं तो फिर उसके बाद जो है आवश्यक वैधानिक कार्रवाइयाँ और भी अमल में लाई जाएंगी। हमारे इंस्पेक्टर साहब गए थे वहाँ पर, जो है धक्का मुक्की में जो है उनके हाथ में अंगुली में जो है कुछ फ्रैक्चर टाइप का हुआ है, ज्यादा किसी को कोई चोट नहीं है। CEO भूपेंद्र सिंह ने बताया कि छात्र संघ चुनाव को लेकर दो छात्रों के गुटों में आपस में भिड़ंत हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को मिली, जो कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों छात्र गुटों को समझाने का प्रयास करने लगी। जब दोनों गुट समझाने के बाद भी नहीं माने, तब पुलिस ने बलपूर्वक दोनों छात्र गुटों को तितर बितर किया, जिसमें उनके कोतवाल परवीन सिंह कोश्यारी को चोट आई है। उन्होंने घटना के बाद राजकीय महाविद्यालय पहुंचकर दोनों गुटों को चुनाव के नियमों के पाठ पढ़ाए और चेतावनी दी कि यदि कोई भी ऐसी हरकत करते पाए गए तब उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं हूं आपके साथ निहारिका बिष्ट और ये खबर जुटाई थी हमारे साथी गौतम चुनारे ने, और देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।